हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को राई का तकिया बनाना बताऊंगी, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके सिर को सही रखने के लिए। तो राई के तकिया से क्या होता है, वैसे बेबी जो होते हैं वो सिर को टेढ़ा कर लेते हैं और इससे सिर सीधा बना रहता है राई का तकिया से। और देखिए, मैंने ये राई इतनी सारी ली हुई है, करीब होगी आधी किलो सी। और एक मैंने लिया है ये बैग, छोटा वाला बैग है बिल्कुल। मैं इसका नाप बता देती हूँ आपको, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए थोड़ा सा। और अगर आपके पास ऐसा बैग ना हो तो आप इतना बड़ा कपड़ा भी ले सकते हो। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है सिलाई सहित और सिलाई से अटके है ये 8.5 इंच, और ये टोटल है 9 इंच का। तो 9 इंच का आपको कपड़ा ले लेना है टोटल, अगर आप लेना चाहो तो। तो देखिए, वैसे इसमें 1.5 इंच की दोनों तरफ सिलाई लग रही है, तो ये 8.5 इंच की चौड़ाई है इसकी जो भी है। अब देखिए, अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें तीनों साइड से तो हमारी सिलाई लगी हुई है। अब सीधा इसको, राई को इसमें पलट दूँगी। एक मोटी वाली भी आती है, ये बिल्कुल बारीक वाली है, आप कोई भी ले सकते हो। तो इसको मैंने इसमें पलट दिया है, देखिए आराम से पलट गई है। अब इसकी चौड़ाई हमें इतनी करनी है कि आराम से बेबी का जो सिर है वो इसमें गड़ जाए, जहाँ रखेगा सिर वहीं रह जाए। तो भी देखिए इस तरीके से, तो इसे मैं इतना लूज करने वाली हूँ। ताकि यहाँ पर इस सिर आएगा तो सीधा सिर बना रहेगा इससे। तो देखिए, करीब मैंने कितना चौड़ा लिया है, 6.5 इंच का। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे कर दूँगी राई को नीचे। अगर आप बिल्कुल टाइट ले लोगे ना तो इसमें गड्ढा नहीं हो पाएगा, सिर बेबी का अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा लूज लोगे ना, जैसे कि मैंने ये लिया है, तो इसमें जो बेबी का सिर है वो अच्छे से गड़ जाएगा और वो सीधा बना रहेगा। तो मैं इस तरीके से ले रही हूँ, तो ऐसे पकड़ूंगी इसको और ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी मैं। अगर ऐसे करके सीधी सिलाई लगा दूंगी और कट कर दूंगी तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा बारीक राई होती है, तो सिलाई में से भी निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो राई है वो बाहर ना निकल सके, और बारीक एक दो सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है इस तरीके से एक बार, और अब इसके बाद मैं बिल्कुल बारीक सिलाई करके, देखिए बारीक सी कर ली है मैंने नीचे इसको करके, तो इससे बारीक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल महीन महीन, ताकि जो हमारी राई है बहुत ज़्यादा बारीक है तो वो फिर निकलेगी, इसीलिए सिलाई बारीक करके लगा देनी है। तो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके लिए हम एक और कवर बना लेंगे पैक वाला बिल्कुल, ताकि अगर थोड़ी बहुत राई निकल भी जाती है तो, वैसे तो अब निकलेगी नहीं क्योंकि हमने उसको कोने को फोल्ड करके सिला हुआ है इसीलिए। और सीधा सिलते तो निकलने के चांस भी रहते हैं उसमें। तो देखिए, जो हमने नापा था वो 9x6.5 का प्लो हमारा बैठा है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है इसके कवर को। तो इसमें डाल दूंगी और बिल्कुल पैक कर दूंगी इसको। अब इसके लिए मैं एक और कवर बना दूंगी,
ताकि वो धोने के काम आया करेगा, मतलब जैसे कि गंदा हो जाता है ऊपर का कवर, तो उसे उतार कर हम धो सकें। तो देखिए मैंने रेडी कर लिया है, और इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप रेडी की है, तो इसको हम बांधने के लिए करेंगे ताकि हमारा जो अंदर हमने तकिया डाली है वो निकले ना बनाकर राई की। तो देखिए बच्चे का सिर इस तरीके से पड़ा रहता है, क्योंकि बच्चा साध नहीं पाता है सिर को जब छोटा होता है। अब देखिए ये सिर इस तरीके से टिका रहता है बीच में और सीधा रहता है, तो इससे बच्चे का सिर जो है गोल बना रहता है इधर उधर, मतलब लंबा टाइप नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अगर आप इस तरीके से तकिया बनाओगे तो बच्चे का सिर एकदम परफेक्ट बना रहेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपने नहीं बनाया तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना। बाय बाय।